हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन टू लर्न विद इतिमन। तो प्रश्नों की श्रृंखला में हम पहुंच चुके हैं पॉलिटी के 8th क्लास पर। यदि आपने पिछले वीडियोस नहीं देखे हैं तो प्लीज उनको देखिएगा, तो इससे आपकी रिवीजन भी बहुत अच्छी होगी। यदि वास्तव में आप अच्छे से पढ़ाई करना चाहते हो तो एक तो रेगुलर रहिए, और रेगुलर होने के साथ साथ वीडियोस जो है वो स्टार्टिंग से एंड तक पूरा देखिए, जब भी आपको इसका बेनिफिट मिल सकता है। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन वन है, भारत की कुल जनसंख्या के कितने प्रतिशत शहरों में रहता है? भारत की कुल जनसंख्या का जनगणना 2011 के अनुसार कितना प्रतिशत शहरों में रहता है? इसका आंसर है 31.16%। ठीक है, याद रखना है 31.16%। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर टू, भारत में पुरुष साक्षरता कितनी है, महिला साक्षरता कितनी है? राजस्थान में पुरुष साक्षरता कितनी है और राजस्थान में महिला साक्षरता कितनी है? ये सभी जनगणना 2011 के अनुसार आपको बताना है। तो देखिए, इसे हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन चैप्टर में ये दोबारा से दिया हुआ था तो मैंने भी यहाँ पर इंक्लूड किया है। अब आपकी रिवीजन हो जाएगी इस क्वेश्चन की कि भारत में पुरुष साक्षरता है 82.14%, महिला साक्षरता है 65.46%। बिल्कुल याद रखनी है आपको, पॉइंट के बाद के जो नंबर है वो भी याद रखने हैं। आपको पता है कि जो आपका सेकंड लास्ट जो आपका एग्जाम हुआ था वहां आपको ये पूछा गया था कि भारत में महिला साक्षरता कितनी है, वहां पर पॉइंट में ही अंतर था, बाकी सभी ऑप्शन में 65 दिया हुआ था। तो याद रखना है 82.14% पुरुष साक्षरता है और महिला साक्षरता 65.46% है। राजस्थान में पुरुष साक्षरता जो है वह 79.02% है और महिला साक्षरता 52.10% है। इसको बिल्कुल आप रट्टा लगा लें इसको, तो इन चारों को, क्योंकि ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर थ्री है, भारत की कुल कितनी जनसंख्या का भाग कार्यशील जनसंख्या का है? कार्यशील जनसंख्या जो कि कार्य करते हैं, जिसमें 15 और 50 वर्ष तक की महिला और पुरुष शामिल होते हैं। तो भारत की कुल जनसंख्या का 60.29% कार्यशील जनसंख्या का है। क्वेश्चन फोर, जनगणना 2011 के अनुसार भारत में लिंगानुपात क्या है? जनगणना 2011 के अनुसार भारत में लिंगानुपात है 943 महिलाएं 1000 पुरुषों की आबादी पर। ठीक है, इसे याद रखिएगा। क्वेश्चन फाइव है, जनगणना 2011 के अनुसार राजस्थान में लिंगानुपात क्या है? तो यहाँ राजस्थान में पूछा है 928 महिलाएं, जहां भारत में 943 महिलाएं हैं 1000 पुरुषों की आबादी पर, तो राजस्थान में 928 महिलाएं हैं। याद रखना है कि राजस्थान में कम है भारत की तुलना में। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर सिक्स, नातेदारी क्या है? तो जो रक्त एवं विवाह मूलक संबंधों की व्यवस्था होती है, इसी रिश्तेदारी को ही नातेदारी कहते हैं, जहां पर रक्त द्वारा संबंध होंगे और विवाह द्वारा संबंध स्थापित होंगे। नेक्स्ट है क्वेश्चन सेवन, पूर्वाग्रह क्या है? पूर्वाग्रह, देखिए, विषय संबंधी तथ्यों को बिना जांचे परखे केवल सुनी सुनाई बातों पर निर्भर प्रतिक्रिया ही पूर्वाग्रह है। जिन बातों पर हम बिना सोचे ही उन पर विश्वास कर लेते हैं, क्योंकि हमने पहले से ही वो चीजें जो है वो अपने बुजुर्गों से भी सुनी है, हम अपने समाज में भी वो चीज देखते आ रहे हैं, तो आगे जो भी सिचुएशन होती है उनको भी हम वैसे ही देखते हैं। जैसे कि हम पहले ही, हमें पता है कि जो लड़कियां हैं वो लड़कों से कमजोर होती हैं। वास्तव में ऐसा हमेशा नहीं होता है, लेकिन जो पूर्वाग्रह, हमने ये धारणा पहले से ही बनाई हुई है कि जो लड़कियां हैं वो लड़कों से शारीरिक तौर पर कमजोर होती हैं, मानसिक तौर पर कमजोर होती हैं। तो यही क्या है, पूर्वाग्रह, यानी कि केवल सुनी सुनाई बातों पर ही प्रतिक्रिया होना। क्वेश्चन एट है, रूढ़िबद्ध धारणा से क्या तात्पर्य है? देखिए, अब इस टाइप के क्वेश्चन जो है इस चैप्टर में दिए हुए हैं, जो कि आपकी जो शिक्षण विधियां हैं, शिक्षण संबंधी जो भी विधियां हैं, वहां पर पेडागॉजी के अंदर ये चीजें आपकी पूछी जाती हैं। रूढ़िबद्ध धारणा से तात्पर्य है व्यक्तियों के पूरे समूह को एक समान श्रेणी में स्थापित कर देती है। ऐसे समाज में लोग दूसरे सामाजिक समूहों के बारे में ऐसे पूर्वाग्रह से ग्रस्त होते हैं जो अपरिवर्तनीय है व कठोर है। तो
तो देखिए, रूढ़िबद्ध धारणा यानी ये भी पहले से ही चली आ रही है वही पुरानी धारणा, जो कि समाज में लोग जो हैं वो दूसरे सामाजिक समूहों के बारे में ऐसे पूर्वाग्रह बना लेते हैं जो कि एक तो अपरिवर्तनीय और कठोर है। इसका एग्जाम्पल देखिए विधवा से लिया जा सकता है, क्योंकि देखिए जब वो एक लड़की जो है वो उसकी शादी हो जाती है और वो विधवा हो जाती है, तो कुछ लोगों की समाज में यही धारणा होती है कि अब यह समाज से, यह परिवार के लोगों से इसे थोड़ा सा दूर ही रखना चाहिए, यह अब समाज का हिस्सा भी नहीं है। तो ये चीजें पहले से ही चली आ रही हैं। ये है रूढ़िबद्ध धारणा, जो कि बहुत कठोर भी है और अपरिवर्तनीय है, लेकिन फिर भी इस पर प्रयास किए गए हैं। क्वेश्चन 9 है, अवसरों की असमानता के पीछे मुख्य कारण क्या है? अवसरों की असमानता यानी कि असमानता होना, किसमें? अवसरों में। तो इसके पीछे कारण होते हैं वही पूर्वाग्रह, इनको देखकर जो भी धारणाएं पहले से चली आ रही हैं तो हम उनको देखकर ही अवसर नहीं दे पाते हैं, इसीलिए असमानता होती है, रूढ़िबद्धता है, भेदभाव है, ये सभी क्या है? ये असमानता के कारण है। हम लोगों ने क्लास 8 की पॉलिटी को स्टार्ट किया था, 2 चैप्टर हमने कर लिए थे, थर्ड चैप्टर करेंगे विकास की अवधारणा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, और आप वीडियो देखते हैं तो प्लीज इन्हें लाइक भी करें और शेयर भी करें, जिससे कि सभी इसका फायदा ले सकें। क्वेश्चन 1 है, विकसित देश में कौन से देश आते हैं? विकसित देश में कौन से देश आते हैं? इसका आंसर है इंग्लैंड, अमेरिका, रूस, स्विट्जरलैंड और जापान। देखिए, विकसित देश से क्या तात्पर्य होता है? वो देश जहाँ आर्थिक विकास तेजी से हुआ हो और लोगों की जो प्रति व्यक्ति आय है वह भी बहुत अच्छी हो और सुख सुविधाएं जो है वो प्रचुर मात्रा में हो, तो वह देश विकसित देश कहलाते हैं, जिसमें एग्जाम्पल क्या है? इंग्लैंड, अमेरिका, रूस, स्विट्जरलैंड और जापान। क्वेश्चन नंबर 2, विकासशील देश में कौन से देश आते हैं? तो देखिए, अगर कोई पूछता है कि भारत जो है वह क्या विकसित देश है या विकासशील देश है, तो यहाँ क्वेश्चन 2 करने के बाद आपको इसका आंसर मिल जाएगा। विकासशील देश में कौन से देश आते हैं? जहाँ की जनसंख्या बहुत अधिक होती है और वहाँ का विकास जो है वह धीमा है, वह प्रति व्यक्ति आय भी कम है, जो विकास के लिए प्रयत्न कर रहे हैं, जैसे कि भारत है, यह विकासशील देश में आता है, ब्राजील और इंडोनेशिया। तो यहाँ की जो जनसंख्या है वह बहुत अधिक है, प्रति व्यक्ति आय जो है वो यहाँ पर कम है, लेकिन विकास के लिए ये प्रयास कर रहे हैं, इसीलिए ये विकासशील देश में आते हैं। तो अब आप बता पाएंगे कि भारत जो है वह विकसित नहीं बल्कि विकासशील देश है, और अमेरिका जो है वो विकसित देश है। क्वेश्चन नंबर 3, विकास को किस प्रकार मापा जाने लगा है? तो विकास को यदि हम मापेंगे किसी भी देश के, तो वह किस तरीके से मापा जाने लगा है? मानव विकास सूचकांक द्वारा विकास को मापा जाता है। क्वेश्चन नंबर 4, मानव विकास सूचकांक में किन-किन चीजों को ध्यान रखते हैं? तो इसमें ध्यान रखते हैं उस देश की शिक्षा, जीवन प्रत्याशा, व्यक्ति की क्रय शक्ति, ठीक है, व्यक्ति के द्वारा उसके खरीदने की कितनी क्षमता है, उसकी जीवन प्रत्याशा कितनी है और उसकी शिक्षा, ये सभी मानव विकास सूचकांक में जब हम मापते हैं तो इन चीजों का ध्यान रखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, प्रति वर्ष मानव विकास रिपोर्ट कौन जारी करता है? तो देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये कि प्रति वर्ष मानव विकास रिपोर्ट कौन जारी करता है? यूएनडीपी, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम, यह प्रति वर्ष मानव विकास रिपोर्ट जारी करता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6, सतत विकास से क्या तात्पर्य है? सतत का मीन्स होता है लगातार और विकास, ठीक है, तो सतत विकास से तात्पर्य है जिसमें भावी पीढ़ियों को ध्यान में रखते हुए वर्तमान पीढ़ी की आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु प्राकृतिक संसाधनों का दोहन किया जाता है, यानी कि भावी यानी कि जो भविष्य में जो पीढ़ी होंगी, तो उनको ध्यान में रखते हुए हम
वर्तमान में जो भी प्रकृति के द्वारा दिए गए संसाधन है उनका यूज करें, यानी कि कोई भी चीज को हम जानबूझकर वेस्ट ना करें, तो हम आगे की पीढ़ियों के लिए बहुत सारी चीजें हैं, संसाधन जो हैं वो बचाकर ही चलेंगे। तो इसीलिए जो भी आवश्यकता है उनको पूरा भी कर ले और उन प्राकृतिक संसाधनों का उचित प्रकार से दोहन किया जा सके, जिससे कि सतत विकास हो, जिससे कि निरंतर विकास होता रहे। नेक्स्ट है क्वेश्चन 7, प्रति व्यक्ति आय से क्या अर्थ होता है। तो देखिए, जब हम प्रति व्यक्ति आय निकालते हैं एक देश की, तो वहां की जो जनसंख्या है उससे हम राष्ट्रीय आय में भाग देते हैं। जो भी नेशनल इनकम होती है उसमें भाग दिया जाता है किसका, उस देश की जनसंख्या का। तो एक व्यक्ति की जो प्रति व्यक्ति आय है, प्रति व्यक्ति आय वो है निकल कर आती है, ठीक है। जैसे कि प्रति व्यक्ति आय बराबर राष्ट्रीय आय डिवाइडेड बाय जनसंख्या। क्वेश्चन 8, जीवन प्रत्याशा क्या है। तो हमने देखा मानव विकास सूचकांक जो है वह जीवन प्रत्याशा पर भी निर्भर करता है, इसका भी विशेष ध्यान रखा जाता है। तो जीवन प्रत्याशा क्या होती है, किसी देश के नागरिकों की औसत आयु ही जीवन प्रत्याशा कहलाती है, ठीक है। किसी देश के नागरिकों की जो औसत आयु होती है तो वह जीवन प्रत्याशा कहलाती है। तो यहाँ पर इस चैप्टर में केवल 8 ही क्वेश्चन निकल कर आए थे और जो कि आपके लिए इम्पोर्टेंट है। अब देखिए, यहाँ तक हमने जो बेसिक चीजें थी वो कंप्लीट कर ली। नेक्स्ट जो चैप्टर होगा आपका 8th क्लास का चैप्टर नंबर 4, यहाँ से आपके सिलेबस से क्वेश्चन जो है वो स्टार्ट हो जाएंगे। लेकिन इसका मतलब ये नहीं था तो कि पिछले वीडियो जो है वो आप नहीं करेंगे, क्योंकि वहां से क्वेश्चन जो है वो आपके बन जाते हैं और पूछे भी जाते हैं। और नेक्स्ट वीडियो जो होगा, नेक्स्ट चैप्टर 8th क्लास का, तो वो आपके लिए बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट होगा क्योंकि सिलेबस में आपके दिया हुआ है। करने वाले हैं पॉलिटी का क्लास 8th का चैप्टर नंबर 4, हमारा संविधान। देखिए, यहाँ आपको अगर संविधान के बारे में जो भी जानकारी है बेसिक से अगर आपको पता होगी तो आगे चल के जो भी हम क्लासेस करेंगे वहाँ आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, संविधान क्या है। संविधान क्या है, तो देखिए इसका आंसर है, किसी राज्य में शासन, व्यक्ति और उनके आपसी संबंधों को निर्देशित करने वाले कानूनों का संग्रह ही संविधान है। यानी हमारे संविधान में जो भी शासन है, नागरिक है और उनके बीच जो भी आपसी संबंध हैं, उनको निर्देशित करने वाले कानून हैं, ठीक है। तो इनका संग्रह क्या कहलाता है, संविधान। नेक्स्ट है क्वेश्चन 2, संविधान के प्रकार बताइए। संविधान के कितने प्रकार हैं, तो संविधान जो है वो दो प्रकार का होता है, एक लिखित होता है और एक अलिखित संविधान होता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन 3, किन्हीं दो देशों के नाम बताइए जिनके संविधान के प्रावधान लिखित हों, ठीक है। हमने देखे संविधान जो है वो लिखित और अलिखित, इनके प्रावधान दो प्रकार के होते हैं। तो जो लिखित संविधान है वह है भारत का और संयुक्त राज्य अमेरिका का, जिसमें भारत का संविधान जो है वो सबसे लंबा संविधान है, ठीक है। सबसे बड़ा संविधान किसका है, भारत का, ठीक है। तो याद रखना है भारत का संविधान जो है वो लिखित और सबसे बड़ा संविधान है। नेक्स्ट है क्वेश्चन 4, ब्रिटेन का संविधान कैसा है। ब्रिटेन का संविधान जो है अलिखित संविधान है, केवल परंपराओं के रूप में ही इसे माना गया है। ब्रिटेन का संविधान कैसा है, अलिखित संविधान है, कोई लिखित संविधान नहीं है यहाँ का। नेक्स्ट है क्वेश्चन 5, ब्रिटिश मंत्रिमंडल का दल जिसने देश में संविधान सभा के गठन की सिफारिश की थी। तो पहले अपना जो देश था भारत वो ब्रिटिश प्रांतों में बटा हुआ था, तो ब्रिटिश मंत्रिमंडल का जो दल था जिसने देश में सबसे पहले संविधान सभा के गठन की सिफारिश की थी, तो वह था कैबिनेट मिशन, ठीक है। सबसे पहले कैबिनेट मिशन के द्वारा संविधान सभा के गठन की सिफारिश की गई थी। नेक्स्ट है, जुलाई 1946 में ब्रिटिश भारत में संविधान सभा के लिए कितने प्रतिनिधियों के लिए चुनाव हुए। तो सबसे पहले कैबिनेट मिशन जुलाई 1946 में संविधान सभा के गठन की बात करता है, तो इसमें जो चुनाव हुए थे तो यहां कितने प्रतिनिधियों ने भाग लिया था, 389।
प्रतिनिधियों ने भाग लिया था, जिसमें ब्रिटिश प्रांतों से 296 प्रतिनिधि थे और 93 सदस्य देसी रियासतों से थे। ठीक है, कई बार ये क्वेश्चन पूछा गया है कि संविधान सभा के गठन के लिए देसी रियासतों से कितने प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। याद रखना है 93, या ब्रिटिश प्रांतों से पूछा जा सकता है तो 296 प्रतिनिधि, और अगर कुल पूछा जाता है तो 289। इसे विशेष तौर पर याद रखना है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट है, जुलाई 1946 में ब्रिटिश भारत में संविधान सभा में राजस्थान से कितने सदस्य सम्मिलित थे। तो यहाँ राजस्थान से 14 सदस्य जो थे वो उन्होंने भाग लिया था संविधान सभा में। ठीक है, नेक्स्ट है, संविधान सभा की मांग 1922 में किसने की। संविधान सभा की मांग 1922 में किसने की थी, तो इसकी मांग जो है वो महात्मा गांधी ने की थी संविधान सभा की 1922 में। क्वेश्चन नंबर 9, संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई थी। संविधान सभा की पहली बैठक हुई थी 9 दिसंबर 1946 को, 9 दिसंबर 1946 को हुई थी, और प्रथम बैठक में सच्चिदानंद सिन्हा, जो कि सबसे बुजुर्ग व्यक्ति थे, उनको अध्यक्ष बनाया गया था अस्थाई तौर पर। ठीक है, स्थाई तौर पर नहीं, अस्थाई तौर पर, क्योंकि उस समय यह निश्चित नहीं था कि किसे बैठाया जाए, तो जो सबसे बुजुर्ग व्यक्ति थे तो उनको ही पहली बैठक में अध्यक्ष बनाया गया। नेक्स्ट है, 11 दिसंबर 1946 में संविधान सभा दूसरी बैठक के स्थायी अध्यक्ष किसे बनाया गया। ये क्वेश्चन जो है हर बार तो सीटेट का फेवरेट क्वेश्चन है, आरपीएससी का फेवरेट क्वेश्चन है, क्योंकि वो हर बार ये क्वेश्चन जो है वो पूछते हैं। 11 दिसंबर 1946 जो दूसरी बैठक हुई थी संविधान सभा की, इसमें अध्यक्ष जो है किसे बनाया गया, वो भी स्थायी अध्यक्ष। अस्थायी अध्यक्ष जो है वो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को बनाया गया था, उसके बाद डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को बनाया गया स्थायी अध्यक्ष। डेट भी याद रखनी है और आपको याद रखना है किसे बनाया गया। संविधान सभा में तीसरी बैठक जब हुई तो उसमें उद्देश्य प्रस्ताव जो है वो लाया गया, यह किसके द्वारा रखा गया। उद्देश्य प्रस्ताव वही है जो हम अपनी प्रस्तावना पढ़ते हैं, उद्देश्य का पढ़ते हैं, तो वह किसके द्वारा रखा गया, यह रखा गया जवाहरलाल नेहरू के द्वारा 13 दिसंबर 1946 ईस्वी में। देखिए याद रखना है, 9 दिसंबर को अस्थाई अध्यक्ष संविधान सभा के, पहली बैठक सच्चिदानंद सिन्हा, दूसरी बैठक जो है वह राजेंद्र प्रसाद के द्वारा, और जिसे स्थायी अध्यक्ष चुना गया संविधान सभा का, तीसरी बैठक जो है संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव लाया गया जवाहरलाल नेहरू के द्वारा 13 दिसंबर 1946 को। ठीक है, तो 9, 11 और 13 ये जो है आपको याद रखनी है डेट, इन्हें बहुत ही केयरफुली आप याद रखेंगे, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आपको एग्जाम पूछा भी गया है और पूछा भी जाएगा। उद्देश्य प्रस्ताव कब पारित हुआ, तो 13 को उद्देश्य प्रस्ताव लाया गया था संविधान सभा में, और यह पारित हुआ था 22 जनवरी 1947 को। नेक्स्ट है, क्वेश्चन नंबर 13, संविधान में प्रारूप समिति का गठन किसने किया। देखिए हर क्वेश्चन कितना इम्पोर्टेंट है। संविधान में प्रारूप समिति का गठन करने वाले थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, जिन्होंने प्रारूप समिति का गठन किया 29 अगस्त 1947 को। कब किया, 29 अगस्त 1947 को। उसमें बहुत सारी कमेटी जो है वो बनी थी, लेकिन सभी के बारे में हम पढ़ेंगे जब हम 9th क्लास को पढ़ेंगे, क्योंकि यहाँ चैप्टर जो है वह किसका है, क्लास 8 का। तो कुछ थोड़े ही फैक्ट जो हैं वो यहाँ पर दिए गए हैं, डिटेल में जब हम क्लास 9 को पढ़ेंगे वहाँ आपको सारी चीजें समझ में आएंगी कि कौन कौन सी कमेटी जो है वो उनका गठन किया गया था और उनके अध्यक्ष जो थे वो कौन कौन थे। यहाँ आपको याद रखना है कि प्रारूप समिति का गठन किया था डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने 29 अगस्त 1947 को। नेक्स्ट है, संविधान सभा को बनने में कितना समय लगा। संविधान सभा को बनने में कितना समय लगा, तो देखिए 114 दिन बैठकें हुई थी, यानी 114 दिन जो है वो बैठक चली थी, तो 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन लगे थे। 2 साल 11 महीने और 18 दिन संविधान सभा को बनने में लगा था, तो देखिए संविधान सभा को बनने में कितना ज्यादा समय लगा था। नेक्स्ट है, संविधान कब पारित हुआ या कब अंगीकार हुआ। तो ये दो शब्द जो हैं वो एग्जाम में देखने को मिलते हैं, पूछ लिया जाए कब पारित हुआ,
या कब अंगीकार हुआ? तो आंसर जो है वो एक ही होगा, 26 नवंबर 1949 को। तो जब यह पारित हुआ था तो उसी दिन संविधान दिवस जो है वो मनाया गया, तब से 26 नवंबर को संविधान दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट है, संविधान कब लागू हुआ? संविधान कब लागू हुआ? इसका आंसर है 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू हुआ। और इसके लिए जो डेट है 26 जनवरी ही क्यों चुनी गई? क्योंकि संविधान तो पहले ही पारित हो चुका था। तो इसके लिए देखिए, 26 जनवरी 1930 को हम पहले से ही पूर्ण स्वतंत्रता दिवस मना चुके थे लाहौर में रावी नदी के तट पर, जहां पर जवाहरलाल नेहरू जी थे उन्होंने झंडा फहराया था। तो इसीलिए 26 जनवरी जो है वो अहम दिन था, तो इसी दिन को चुना गया संविधान को लागू करने के लिए। तो देखिए, जो संविधान सभा की अंतिम बैठक है वो अगर पूछी जाती है तो वो आएगी 24 जनवरी, ठीक है? 24 जनवरी याद रखना है, अंतिम बैठक हुई उसके दो दो दिन बाद ही 26 जनवरी को संविधान लागू हो गया। 26 जनवरी गणतंत्र दिवस को झंडा किसके द्वारा फहराया जाता है? 26 जनवरी को हम गणतंत्र दिवस मनाते हैं, तो इस दिन झंडा कौन फहराते हैं? इस दिन झंडा फहराते हैं राष्ट्रपति, ठीक है? क्योंकि संविधान से रिलेटेड है, 26 जनवरी को हमारा संविधान जो है वह लागू हुआ था, तो संविधान के बारे में सबसे अहम रोल कौन करते हैं? राष्ट्रपति। क्योंकि राष्ट्रपति की सहमति के बिना या उनके साइन के बिना संविधान में कोई भी कार्य नहीं किए जाते हैं, तो इसीलिए राष्ट्रपति जो है वो आपको याद रखने हैं। नेक्स्ट है, स्वतंत्रता दिवस को झंडा किसके द्वारा फहराया जाता है? तो स्वतंत्रता दिवस को झंडा जो है वह हमारे देश के प्रधानमंत्री फहराते हैं। क्वेश्चन 19, भारत सरकार ने कब संविधान दिवस घोषित किया? तो हम इसको देख चुके हैं कि 26 नवंबर को संविधान दिवस घोषित किया गया। नेक्स्ट है, विश्व का सबसे लंबा और लिखित संविधान किसका है? तो बिल्कुल हमारे भारत का जो है वो सबसे लंबा और लिखित संविधान है, और भारत का जो संविधान है वो कठोर भी है और लचीला भी है। क्योंकि कठोर इसलिए क्योंकि इसमें जो लिखा हुआ है उसकी कठोरता से पालना की जाती है, और लचीला इसलिए क्योंकि अगर इसमें कुछ चेंजेस किए जाते हैं तो वो चेंजेस भी संभव होते हैं, इसीलिए कठोर और लचीला दोनों कहा गया है। नेक्स्ट है, संविधान में कितने अनुच्छेद हैं, कितने भाग हैं और कितनी अनुसूचियां हैं? तो इसमें एक प्रस्तावना है, 395 अनुच्छेद हैं, 22 भाग हैं और 12 अनुसूचियां, जो कि पहले 8 अनुसूचियां थी तो इसमें 4 और जोड़ी गई और अब है वर्तमान में 12 अनुसूचियां। नेक्स्ट है, 22, संविधान सभा के सलाहकार कौन थे? किसने संविधान सभा के लिए, जो भी संविधान बनाने के लिए जो सभा आयोजित की गई थी, तो उसमें सलाहकार कौन थे? तो यह सलाह देने वाले थे बीएन राव। 1938 में जवाहरलाल नेहरू ने किस अधिवेशन में वयस्क मताधिकार की मांग की थी? देखिए, 1938 में जवाहरलाल नेहरू ने फैजपुर अधिवेशन में वयस्क मताधिकार की मांग की थी, ठीक है? ये याद रखना है। क्योंकि इन्होंने ऐसा क्यों किया था, वयस्क मताधिकार की मांग क्यों की थी? क्योंकि इससे पहले जो भी मत का अधिकार जो था वह केवल अमीर वर्ग को हुआ था या फिर शिक्षित वर्ग को था, ठीक है? तो इसीलिए फैजपुर अधिवेशन में जवाहरलाल नेहरू ने 1938 ईस्वी में वयस्क मताधिकार की मांग की थी। नेक्स्ट है, क्वेश्चन नंबर 24, संविधान सभा की अंतिम बैठक कब हुई थी? तो देखिए, 26 जनवरी को हमारा संविधान जो है वह लागू हो गया था, उसके एक दो दिन पहले ही 24 जनवरी को अंतिम बैठक हुई थी। नेक्स्ट है, भारत के संविधान में मौलिक अधिकार स्वतंत्र न्यायपालिका की अवधारणा कहाँ से ली गई है? तो यह अवधारणा ली गई है संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से, ठीक है? तो इनको बिल्कुल आप अलग अलग याद रखिएगा। हमारे जो मौलिक अधिकार हैं वो हमने संयुक्त राज्य अमेरिका से लिए हैं, यूएसए से लिए हैं, और स्वतंत्र न्यायपालिका जो है वह हमने अमेरिका से ली है। नेक्स्ट है, 26, राज्य के नीति निर्देशक तत्व कहाँ से लिए गए हैं? राज्य के नीति निर्देशक तत्व लिए गए हैं आयरलैंड से। क्वेश्चन नंबर 27, संसदीय शासन व्यवस्था कहाँ से ली गई है? संसदीय शासन व्यवस्था जो है वह कहाँ से ली गई है? ब्रिटेन से ली गई है, ठीक है? ब्रिटेन जिसका संविधान जो है वो अलिखित संविधान है, तो यहां से हमने संसदीय शासन व्यवस्था ली है।
नेक्स्ट है भारत की प्रस्तावना में क्या है, भारत की जो प्रस्तावना है उद्देशिका है उसमें क्या है, तो उसमें हमारे संविधान का पूरा परिचय है, भूमिका है और सार है, ठीक है। तो उसको हर व्यक्ति को, हर नागरिक को प्रस्तावना जो है उसका हर एक एक शब्द जो है वो याद रहना चाहिए। आप लोगों के एग्जाम के ओरिएंटेड जो भी प्रस्तावना है उसको आप अच्छे से पढ़िएगा, क्योंकि उसमें एक एक शब्द जो है वो आपका क्वेश्चन बनता है। हम इसे करेंगे जब हम नेक्स्ट 9th क्लास को करेंगे, तो वहां हम डिटेल में इस चीज को पढ़ेंगे। क्वेश्चन 29, हमारे शासन का सर्वोच्च पदाधिकारी कौन होता है? तो राष्ट्रपति जी हमारे सर्वोच्च पदाधिकारी होते हैं शासन के। नेक्स्ट है मौलिक अधिकार कितने हैं? तो देखिए पहले हमारे मौलिक अधिकार 7 थे, लेकिन वर्तमान में ये 6 मौलिक अधिकार है। पहले ये 7 थे, लेकिन इसमें एक संपत्ति का जो मौलिक अधिकार है उसे हटा दिया गया और उसे मौलिक कानूनी अधिकार जो है वो दे दिया गया। नेक्स्ट है क्वेश्चन 31, मौलिक कर्तव्य कितने हैं? मौलिक अधिकार हमारे 6 हैं और वर्तमान में हमारे मौलिक कर्तव्य हैं 11। ये भी पहले 10 थे, लेकिन इसमें एक जो है वो जोड़ दिया गया। नेक्स्ट है क्वेश्चन 32, नीति निर्देशक तत्व बाध्यकारी हैं अथवा अबाध्यकारी? तो देखिए नीति निर्देशक तत्व जो है, जो हम पढ़ते हैं, जो आयरलैंड से लिए गए हैं, ये बाध्यकारी हैं या अबाध्यकारी? तो ये अबाध्यकारी हैं, यानी कि किसी भी राज्य के लिए यह बाध्यकारी नहीं है, क्योंकि ये केवल एक गाइडलाइन है, ये केवल राज्य के लिए एक निर्देश है, इसीलिए ये बाध्यकारी नहीं है। नेक्स्ट है भारत की संघात्मक शासन व्यवस्था के क्या लक्षण हैं? भारत की संघात्मक शासन व्यवस्था है तो इसके क्या लक्षण हैं? इसके लक्षण हैं कि देखिए संघीय एवं प्रांतीय स्तरों की सरकारें हैं, संघ की सरकार अलग है, प्रांतों की सरकार यानी राज्यों की सरकार जो है उनका स्तर जो है वो है वो अलग है, और इनके बीच शक्तियों का विभाजन भी है। वही केंद्र जो है उनके कानून अलग है और राज्य के कानून अलग हैं, लिखित संविधान है और स्वतंत्र न्यायपालिका है। तो संघीय शासन व्यवस्था के ये सभी लक्षण है। क्वेश्चन 34, केंद्र में मंत्री परिषद किसके प्रति जिम्मेदार होता है? तो केंद्र में जो मंत्री परिषद है वह लोकसभा के प्रति जिम्मेदार होता है। इसी तरीके से राज्य में जो मंत्री परिषद होती है वह विधानसभा के प्रति जिम्मेदार होती है। नेक्स्ट है भारत का संविधान कैसा है? तो भारत का संविधान जो है वह लिखित संविधान है, बहुत बड़ा संविधान है, कठोर है और लचीला है। नेक्स्ट है भारत में नागरिकों को एकहरी अथवा दोहरी नागरिकता प्राप्त है, तो कौन सी नागरिकता प्राप्त है, एकहरी प्राप्त है या दोहरी नागरिकता प्राप्त है? तो देखिए भारत में नागरिकों को एकहरी नागरिकता ही प्राप्त है। इसका अर्थ यह है कि वह क्या कहलाता है, भारत का नागरिक कहलाता है, किसी पर्टिकुलर राज्य का नागरिक नहीं कहलाता है, ठीक है, इसीलिए एकहरी नागरिकता प्राप्त है। तो यहाँ हमने पॉलिटी का जो क्लास 8th का चैप्टर 4 था हमारा संविधान, ये हमने कंप्लीट किया है। जैसे जैसे क्लासेस आपकी बढ़ती जाएंगी डिटेल में सारी चीजें आती जाएंगी, आपको विशेष तौर पर याद रखना है इन चीजों को। अगर आपने बेसिक क्लियर कर लिया तो क्वेश्चन किसी भी तरीके का पूछा जाएगा आप वहां कर लेंगे। तो देखिए इतनी इंपॉर्टेंट चीज चल रही है, इनको इग्नोर ना करें। आज का जो चैप्टर है पॉलिटी का, ये है आपका मौलिक अधिकार और मौलिक कर्तव्य। तो यहाँ हम बेसिक से जानेंगे कितने मौलिक अधिकार हैं, कितने मौलिक कर्तव्य हैं और उनमें क्या क्या है, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो आपको एक भी प्रश्न जो है वो गलत नहीं करना है। जब हम अपनी तैयारी यहाँ 100% करेंगे तभी तो हम एग्जाम को क्रैक कर पाएंगे, तो इसीलिए आप तैयारी जो है वो अपनी फुल रखिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन 1 है, 1928 में किस रिपोर्ट में मौलिक अधिकारों का उल्लेख किया गया है? तो यह नेहरू रिपोर्ट में मौलिक अधिकारों का उल्लेख किया गया है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2, व्यक्ति के मौलिक अधिकारों का हनन होने पर वह किस न्यायालय में सीधे शिकायत कर सकता है? तो यदि व्यक्ति के मौलिक अधिकारों का हनन हो रहा है तो वह सीधे जा सकता है हाई कोर्ट में या सुप्रीम कोर्ट में, ठीक है, दोनों ही कोर्ट में वो जा सकता है। यदि उच्च न्यायालय में उसकी सुनवाई नहीं हो पा रही है तो वो उच्चतम न्यायालय में जा सकता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3,
मौलिक अधिकार कौन कौन से होते हैं? तो हमने देखा था पिछली क्लास में कि मौलिक अधिकार हमारे 6 हैं। पहले 7 थे, लेकिन संपत्ति के अधिकार को हटा दिया गया, तो अब हमारे मौलिक अधिकार 6 हैं। तो हम जानेंगे कि कौन सा अधिकार जो है वो कितने से कितने अनुच्छेद तक है, क्योंकि ये बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। यहाँ से आपके प्रश्न जो है वो आते ही है। फर्स्ट है समानता का अधिकार, जो कि अनुच्छेद 14 से 18 तक है। देखिए अनुच्छेद 14, 15, 16, 17, 18, यहाँ तक आपके क्या है, समानता के अधिकार हैं। तो इनको हम डिटेल में पढ़ेंगे जब हम 9th क्लास में हमारा संविधान चैप्टर को पढ़ेंगे, ठीक है। यहाँ केवल आपको ये जानना है कि कौन से अनुच्छेद में कौन सा अधिकार है। अनुच्छेद 14 से 18 तक में समानता का अधिकार है। नेक्स्ट है स्वतंत्रता का अधिकार, अनुच्छेद 19 से 22 तक है। उसके बाद है शोषण के विरुद्ध अधिकार, 23 से 24। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, 25 से 28। संस्कृति एवं शिक्षा संबंधी अधिकार, 29 से 30। संवैधानिक उपचारों का अधिकार, अनुच्छेद 32। तो यह अनुच्छेद जो 31 है वह यहाँ पर नहीं है, वही था संपत्ति का अधिकार जिसे कि वहां से रिमूव कर दिया गया, ठीक है। चलिए देखिए यहाँ से जो प्रश्न है वो यहाँ से भी एक प्रश्न कैसे उठता है, वो ये उठता है कि अनुच्छेद 17 में कौन सा अधिकार जो दिया गया है, ठीक है, या अनुच्छेद 17 में जो अधिकार दिया गया है वो हमारे किस अधिकार के अंतर्गत आता है, समानता के अधिकार के अंतर्गत या स्वतंत्रता के अधिकार के अंतर्गत। जैसा कि लास्ट ईयर क्वेश्चन पूछा गया था कि अस्पृश्यता का अधिकार जो है वह किस अनुच्छेद में है, तो वह अनुच्छेद 17 में है और किसके तहत है वह समानता के अधिकार के अंतर्गत आता है, ठीक है। तो यहाँ से प्रश्न ये उठता है, इसलिए यहाँ आप बिल्कुल अच्छे से इनको याद कर लीजिए। समानता का अधिकार अनुच्छेद 14 से 18, स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 19 से 22, शोषण के विरुद्ध अधिकार अनुच्छेद 23 से 24, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 25 से 28, संस्कृति एवं शिक्षा संबंधी अधिकार अनुच्छेद 19 से 30, 29 से 30 और संवैधानिक उपचारों का अधिकार अनुच्छेद 32। चलिए हमारा उद्देश्य है कि हम वीडियो में ही कुछ क्वेश्चन के आंसर जो है वो यहीं पर लर्न कर लें। 86वें संवैधानिक संशोधन द्वारा 2002 में शिक्षा को कानूनी अधिकार घोषित करके कितने वर्ष तक के बच्चों को निशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार दिया गया। तो यह 6 से 14 वर्ष तक के जो बच्चे थे उनको निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार दिया गया, और यह कौन सा संवैधानिक संशोधन था, 86वां संवैधानिक संशोधन 2002। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5, मौलिक अधिकारों को सीमित या निलंबित किन परिस्थितियों में किया जा सकता है। मौलिक अधिकार हमें दिए गए हैं, लेकिन इनको किसी ऐसी कंडीशन में सीमित या निलंबित किया जाता है, और वो कंडीशन आती है आपातकाल। आपातकाल की परिस्थिति में मौलिक अधिकार जो है वो निलंबित हो जाते हैं और सीमित हो जाते हैं। कुछ अधिकार जो हैं वो हम बाद में पढ़ेंगे जो कि कभी भी निलंबित नहीं होते, इसीलिए यहाँ पर एक वर्ड है सीमित, यानी कि वो कम हो जाते हैं। तो मौलिक अधिकारों को सीमित या निलंबित किन परिस्थितियों में किया जाता है, आपातकालीन स्थिति में। क्वेश्चन 6, मौलिक अधिकारों का उल्लंघन होने पर न्यायालय में शरण लेने का अधिकार है। यहाँ पर प्रश्न ये पूछा गया है कि मौलिक अधिकारों का उल्लंघन होने पर न्यायालय में हम किस अधिकार के तहत शरण ले सकते हैं। तो ये हमारा है संवैधानिक उपचारों का अधिकार, अनुच्छेद 32। इसके तहत हमारे मौलिक अधिकारों का उल्लंघन होने पर हम न्यायालय में जा सकते हैं। तो ये क्या है, संवैधानिक, यानी कि संविधान में उपचार, हमारे मौलिक अधिकारों का उपचार करता है यह वाला अधिकार, ठीक है। संवैधानिक उपचारों का अधिकार के अंतर्गत हमारे मौलिक अधिकारों का उल्लंघन होने पर हम न्यायालय में शरण ले सकते हैं। नेक्स्ट है मौलिक कर्तव्य कौन कौन से होते हैं। तो लास्ट जो क्वेश्चन था उसका मतलब यही है कि यह जो अधिकार है यह हमारे अन्य अधिकारों की रक्षा करता है। क्वेश्चन 7, मौलिक कर्तव्य कौन कौन से होते हैं। हमारे मौलिक कर्तव्य 10 थे, उसमें एक जोड़ दिया गया और वो 11 हो गए। अब वर्तमान में हमारे मौलिक कर्तव्य 11 हैं। चलिए इनको पढ़ते हैं, कौन कौन सा मौलिक कर्तव्य है। संविधान का पालन, राष्ट्रध्वज और राष्ट्रगान का आदर, ठीक है, ये फर्स्ट है। सेकंड है राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित
करने वाले आदर्शों को हृदय में संजोए रखना। तो देखिए, सबसे पहले हमें क्या करना है, संविधान की पालना करनी है, हमारा जो राष्ट्र ध्वज है, राष्ट्रगान है, उसका आदर करना है। फिर हमें जो राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले आदर्श हैं उनको हृदय में संजोए रखना है कि हमारे जो महात्मा गांधी थे उन्होंने हमारे लिए आंदोलन में क्या क्या किया था, जवाहरलाल नेहरू ने क्या क्या किया था, सुभाष चंद्र बोस ने क्या किया था, इन सभी जो आदर्श हैं इनको हम क्या सुने और सुनाएं और अपने हृदय में संजोए रखें। नेक्स्ट है भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता की हमें रक्षा करनी है, ये हमारा मौलिक कर्तव्य है। जब हमें संविधान ने मौलिक अधिकार दिए हैं तो हमारा कर्तव्य भी होता है कि हम इन कर्तव्यों का पालन करें, आह्वान किए जाने पर देश की रक्षा करें, समान भ्रातृत्व की भावना का निर्माण करें। नेक्स्ट है संस्कृति की गौरवशाली परंपरा का महत्व समझें, प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा, प्राणी मात्र के प्रति दया रखें, वैज्ञानिक दृष्टिकोण, मानवतावाद, ज्ञानार्जन की भावना का विकास करें, सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखें, व्यक्तिगत और सामूहिक गतिविधियों के क्षेत्र में बढ़ने का प्रयास करें, 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को उनके अभिभावक शिक्षा का अवसर प्रदान करें। ठीक है, तो मौलिक अधिकार दिया गया था 86वें संविधान संशोधन में कि 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा प्रदान की जाएगी। तो उसके लिए माता पिता के लिए भी यह कर्तव्य बनता है कि वो इन बच्चों को शिक्षा का अवसर प्रदान करें। ठीक है, तो ये सभी मौलिक कर्तव्य हैं। थोड़ा सा कीवर्ड पकड़ कर इनको याद करिएगा। फर्स्ट में देखिए राष्ट्रध्वज, राष्ट्रगान, सेकंड में राष्ट्रीय आंदोलन, थर्ड संप्रभुता, एकता, अखंडता, उसके बाद देश की रक्षा, समान भ्रातृत्व, गौरवशाली परंपरा, प्राकृतिक पर्यावरण, वैज्ञानिक दृष्टिकोण, सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा, व्यक्तिगत सामूहिक गतिविधियों और अभिभावकों को शिक्षा का अवसर प्रदान किया जाना चाहिए। किसके लिए? 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए। तो इस तरीके से कीवर्ड पकड़कर इनको याद कर सकते हैं, एक दो बार इनको बार इनको पढ़िए जिससे कि याद हो जाएंगे। नेक्स्ट है क्वेश्चन 8, 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों से खतरनाक कार्य नहीं कराए जा सकते हैं, इसका संबंध है, तो यह किस फंडामेंटल राइट में है? यह है शोषण के विरुद्ध अधिकार में। आपको पता होना चाहिए कि हम क्लास 8 को कर रहे हैं और जैसे ही क्लासेस बढ़ती जाएंगी इनमें फैक्ट ऐड होते जाएंगे और थोड़ा सा लेवल जो है वो भी हाई होता जाएगा। पॉलिटी का क्लास 8 का चैप्टर नंबर 6, जिसमें हम संसद, लोकसभा, राज्यसभा, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति व प्रधानमंत्री, इनके बारे में हम बेसिक जो बातें हैं वो करेंगे। उनसे संबंधित जो प्रश्न आपके एग्जाम में आते हैं वो देखेंगे और डिटेल में हम क्लास 9th में पढ़ने वाले हैं। लेकिन जरूरी है आपका इन चैप्टर को अच्छे से समझना, क्योंकि क्वेश्चन जो है वो किस तरीके के आएंगे वो तो एग्जामिनर के ऊपर होता है। पॉलिटी में सभी चीजें जो है वो समझने वाली हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन 1 है, संघीय शासन व्यवस्था में राष्ट्रीय सरकार को किस नाम से जाना जाता है? तो इसका आंसर है, इसे हम संघीय सरकार भी कहते हैं, संघ सरकार भी कहते हैं और केंद्रीय सरकार भी कहते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2, संघीय शासन व्यवस्था से क्या तात्पर्य है? तो संघीय शासन व्यवस्था से तात्पर्य है कि जब किसी देश में शासन की शक्तियां केंद्र और राज्यों के बीच स्पष्ट रूप से विभाजित हो, जो उदाहरण के लिए द्विसदनात्मक विधायिका, यानी केंद्र में भी 2 सदन है लोकसभा और राज्यसभा, और राज्य में भी 2 सदन है विधानसभा और विधान परिषद, तो दोनों की ही शक्तियों में विभाजन है। नेक्स्ट है थर्ड, शासन का संवैधानिक अध्यक्ष कौन होता है? तो संवैधानिक अध्यक्ष जो है वो हमारे राष्ट्रपति जी होते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन 4, भारत में संसदीय शासन प्रणाली के अंतर्गत कार्यपालिका और व्यवस्थापिका में कौन कौन आते हैं? तो जब संसदीय शासन प्रणाली के अंतर्गत बात करते हैं तो कार्यपालिका में आते हैं राष्ट्रपति जी, प्रधानमंत्री और मंत्री परिषद, जो कि जो भी कानून होता है उसको बनाने का काम करते हैं। नेक्स्ट आते हैं व्यवस्थापिका, इसके अंतर्गत आते हैं संसद, जिसमें राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा, ये सभी कौन है? व्यवस्थापिका के अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन 5, कौन कार्यपालिका और व्यवस्थापिका दोनों ही अंगों में आते हैं?
तो वो है राष्ट्रपति जी। राष्ट्रपति जी जो है वह जब भी कानून बनाने का कार्य होता है तो वहां पर भी शामिल होते हैं, क्योंकि इनकी सहमति के बिना कोई भी कानून नहीं बन पाता है। इसके बाद व्यवस्थापिका के अंदर कोई भी कानून में या बिल जो होता है उसमें अगर बिना सिग्नेचर के राष्ट्रपति जी के वो आगे नहीं बढ़ता है, तो दोनों ही अंगों में ये सम्मिलित होते हैं। तो राष्ट्रपति जी का जो है वो अहम रोल होता है। संसद की बैठक कौन बुलाते हैं? तो संसद की बैठक बुलाना या आहूत करना, ये जो वर्ड आता है तो यह बुलाते हैं राष्ट्रपति जी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7, संसद का कोई भी विधेयक किसके हस्ताक्षर के बाद ही कानून बनता है? यानी कोई भी विधेयक यानी कानून बनने से पहले उसे विधेयक कहा जाता है, लेकिन जैसे ही राष्ट्रपति जी उस पर साइन कर देते हैं तो वह विधेयक ही कानून बन जाता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन 8, संघ सूची समवर्ती सूची के विषयों पर कानून बनाने की शक्ति किसके पास है? तो 3 सूची होती है, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। तो इसमें संघ सूची पर कानून बनाने का अधिकार है संसद के पास। इसी तरीके से समवर्ती सूची पर भी संसद बना सकती है, और जो तीसरी है राज्य सूची, उस पर राज्य कानून बनाता है। और समवर्ती सूची ऐसी सूची है जिसमें राज्य और केंद्र दोनों ही कानून बनाते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन 9, संसद के कितने सदन हैं? तो संसद के देखते हैं हम 2 सदन हैं, लोकसभा और राज्यसभा। नेक्स्ट है क्वेश्चन 10, संसद के कितने अंग होते हैं? तो इसका आंसर है राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा। उसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन 11, लोकसभा में सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी होती है? तो लोकसभा में सदस्यों की अधिकतम संख्या होती है 552 सदस्य। वर्तमान में सदस्यों की संख्या है 543, ठीक है। पहले थी 545, जिसमें 2 एंग्लो इंडियन जो है उनकी सदस्यता समाप्त हो चुकी है। अब है 543 जिनको आपको याद रखना है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 12, लोकसभा को भंग किसकी सिफारिश पर किया जा सकता है? तो हम जानते हैं कि लोकसभा और राज्यसभा, जिसमें लोकसभा को भंग किया जा सकता है क्योंकि ये अस्थायी सदन है, लेकिन राज्यसभा को कभी भी भंग नहीं किया जा सकता क्योंकि वो अस्थायी सदन, सॉरी राज्यसभा जो है वो क्या है, स्थायी सदन है, वो कभी भी भंग नहीं होती है। तो यह मंत्रिपरिषद की सिफारिश पर भंग होती है। क्वेश्चन 13, लोकसभा का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो लोकसभा का जो कार्यकाल है वह होता है 5 वर्ष का। क्वेश्चन नंबर 14, राज्यसभा में सदस्यों का चुनाव कैसे होता है? राज्यसभा में सदस्यों का चुनाव होता है राज्यों और संघ शासित राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्यों द्वारा, यानी वहां के जो राज्य है वहां, और जो केंद्र शासित राज्य है हमारे वहां की जो विधानसभाएं हैं वहां के निर्वाचित सदस्यों द्वारा राज्यसभा में सदस्यों का चुनाव होता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 15, तो राज्यसभा में हमने देखा कि राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से वहां से सदस्य आ रहे थे, लेकिन लोकसभा में सदस्यों का चुनाव कैसे हो रहा है? यहाँ पर सदस्यों का चुनाव जो है वो जनता द्वारा मताधिकार के आधार पर होता है। यह संसद का जनता द्वारा निर्वाचित जनप्रतिनिधि सदन है जिसमें सदस्यों का चुनाव जनता द्वारा वयस्क मताधिकार के आधार पर होता है, यानी यहाँ पर हम डायरेक्ट वोट करते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 16, राज्यसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी होती है? इसकी अधिकतम संख्या है 250, वहीं पर लोकसभा की अगर देखें तो वहां थी 552 अधिकतम संख्या, जिसमें वर्तमान में कितनी है 543, ठीक है। राज्यसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या है 250, जिसमें 238 सदस्यों का निर्वाचन और 12 सदस्य राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। और यही जो 12 सदस्य हैं, जब राष्ट्रपति का निर्वाचन हो रहा होता है तो वहां पर ये 12 सदस्य जो है वो वोट नहीं करते हैं, क्यों? क्योंकि ये तो राष्ट्रपति के द्वारा ही मनोनीत है, इसीलिए ये वहां शामिल नहीं होते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 17, राज्यसभा का कार्यकाल कितना होता है? राज्यसभा का कार्यकाल कितना होता है? 6 वर्ष, वहीं लोकसभा का कार्यकाल होता है 5 वर्ष। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 18, राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए कितनी उम्र होनी चाहिए? राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए कितनी उम्र होनी चाहिए? तो इसका आंसर है 30 वर्ष, ठीक है। राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए 30 वर्ष होना चाहिए, लोकसभा का सदस्य बनने के लिए 25 वर्ष होना चाहिए।
क्वेश्चन नंबर 19। देखिए कंपैरिजन करके अगर आप याद करेंगे तो ये चीजें और भी ज्यादा इजी हो जाती हैं। तो जहां भी आप नोट कर रहे हैं, एक साइड राज्यसभा लिखिए, दूसरी साइड लोकसभा लिखिए, तो इससे आपको बहुत आसानी हो जाएगी। लोकसभा का सदस्य बनने के लिए कितनी उम्र होनी चाहिए? तो इसका आंसर है 25 वर्ष। जैसे एक साइड अगर आप राज्यसभा लिखते हैं तो वहां लिखेंगे कि राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए 25 वर्ष होना उम्र होनी चाहिए, यहाँ पर कार्यकाल जो है वो 5 वर्ष होता है। वही राज्यसभा की बात करें तो वहां पर 30 वर्ष होती है उम्र, और वहां कार्यकाल जो है वो 6 वर्ष का होता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 20। लोकसभा की बैठक कौन बुलाता है? तो इनकी बैठक जो है वो लोकसभा अध्यक्ष बुलाते हैं, जो कि वर्तमान में है ओम बिरला जी। देखिए बैठक को कौन करता है, बैठक कर कौन रहे हैं? लोकसभा अध्यक्ष। लेकिन बैठक बुलाई किसने है? राष्ट्रपति ने। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 21। राज्यसभा की बैठक का संचालन कौन करता है? लोकसभा में तो कर रहे हैं लोकसभा स्पीकर, लोकसभा अध्यक्ष कर रहे हैं जिन्हें स्पीकर भी कहते हैं, उसी तरीके से राज्यसभा की बैठक का संचालन करते हैं उपराष्ट्रपति, ठीक है, जिन्हें राज्यसभा का सभापति कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 22। राज्यसभा का पदेन सभापति कौन होता है? तो हमने अभी देखा कि राज्यसभा के जो अध्यक्ष हैं वो कौन है? उपराष्ट्रपति। यही पदेन सभापति होते हैं, तो उपराष्ट्रपति ही जो सभापति के रूप में कार्य कर रहे होते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन 23। लोकसभा का अध्यक्ष और उपाध्यक्ष कहाँ से चुने जाते हैं? तो ये चुने जाते हैं उन्हीं सदस्यों में से जो कि लोकसभा में हैं। लोकसभा के अध्यक्ष जो है लोकसभा के सदस्यों में से एक चुना जाता है, जिसे स्पीकर कहते हैं, और उपाध्यक्ष जो है वह भी वहीं से चुने जाते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 24। 104वां संविधान संशोधन के तहत राष्ट्रपति द्वारा लोकसभा में किन सदस्यों का मनोनयन समाप्त कर दिया गया है? बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में आने वाला प्रश्न है ये कि 104वां संविधान संशोधन के तहत राष्ट्रपति जी जो दो एंग्लो इंडियन इनका मनोनयन करते थे, अब उनकी सदस्यता समाप्त कर दी गई है। तो इसीलिए जो अधिकतम संख्या 545 हुआ करती थी, अब वो 543 रह गई है। तो ये संविधान संशोधन है 104वां। एंग्लो इंडियन का मनोनयन का प्रावधान किस अनुच्छेद में है? तो ये अनुच्छेद है 331, ठीक है। अब ये जो सदस्यता है वो समाप्त हो चुकी है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 26। कार्यपालिका द्वारा बजट को कहाँ पेश किया जाता है? तो यह बजट जो है वो संसद में पेश किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 27। संविधान में संशोधन करने की शक्ति किसके पास है? तो यह संशोधन जो है वह करते हैं संसद। संसद में जो लोकसभा और राज्यसभा, यहां से ही संविधान में संशोधन करने की शक्ति जो है इन लोगों के पास में ही होती है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 28। न्यायालय और उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों के विरुद्ध कार्रवाई कर सकती है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 28। उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों के विरुद्ध कार्रवाई किस प्रक्रिया द्वारा किया जा सकता है? यहाँ ये प्रश्न पूछा गया है कि जो हाई कोर्ट है और सुप्रीम कोर्ट है, यहाँ के जो न्यायाधीश है इनके विरुद्ध कार्रवाई अगर करनी होगी तो वो उसके लिए कौन सा प्रोसेस होगा? तो वो होगा महाअभियोग की प्रक्रिया द्वारा, ठीक है। महाअभियोग की प्रक्रिया द्वारा ही उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों के विरुद्ध कार्रवाई की जाती है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 29। संसद, लोकसभा, राज्यसभा के सदस्य क्या कहलाते हैं? ये सदस्य कहलाते हैं एमपी। संसद में जो सदस्य होते हैं, यानी लोकसभा और राज्यसभा, इसमें जो सदस्य होते हैं इनको हम कहते हैं मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, एमपी कहा जाता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन 30। संसद का प्राथमिक कार्य क्या है? तो सबसे प्राथमिक कार्य होता है इनका कानून बनाना, क्योंकि ये विधायिका का अंग होता है। संसद में ही हम देखते हैं राष्ट्रपति, लोकसभा, राज्यसभा आते हैं, तो ये इनका काम होता है कानून बनाना। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 31। भारत का प्रथम नागरिक कौन होता है? तो ये प्रथम नागरिक जो है वो राष्ट्रपति जी होते हैं, जो कि हम बचपन से ही सुनते आ रहे हैं कि भारत के जो संवैधानिक प्रमुख हैं वो राष्ट्रपति जी हैं, भारत के जो प्रथम नागरिक हैं वो राष्ट्रपति जी हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन 32। राष्ट्रपति का निर्वाचन किस प्रकार किया जाता है? तो राष्ट्रपति का जो निर्वाचन है वो किया जाता है निर्वाचन मंडल द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से।
ठीक है, प्रधानमंत्री का निर्वाचन हम करते हैं, चुनाव करते हैं हम प्रत्यक्ष रूप से, लेकिन राष्ट्रपति जी का क्या हो रहा है, निर्वाचन, निर्वाचन मंडल द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से लोकसभा, राज्यसभा और संघ शासित प्रदेशों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्यों द्वारा राष्ट्रपति जी का निर्वाचन किया जाता है। नेक्स्ट है, और राष्ट्रपति जी ने जो 12 सदस्यों का मनोनयन कर रहे थे राज्यसभा के अंदर, वो यहाँ पर शामिल नहीं होंगे। नेक्स्ट है क्वेश्चन 33, राष्ट्रपति बनने के लिए उम्र क्या है? तो इसका आंसर है, राष्ट्रपति बनने के लिए उम्र होती है 35 वर्ष। वहीं अगर हम कंपैरिजन करें प्रधानमंत्री की, तो वहां आपको लिखना है कि प्रधानमंत्री बनने के लिए उम्र होती है 25 वर्ष, लेकिन इसके लिए राष्ट्रपति बनने के लिए 35 वर्ष होना जरूरी है और लोकसभा का सदस्य बनने योग्य हो। क्वेश्चन 34, राष्ट्रपति का कार्यकाल कितना होता है? राष्ट्रपति का कार्यकाल होता है 5 वर्ष का। क्वेश्चन नंबर 35, संसद किस प्रक्रिया के द्वारा राष्ट्रपति का कार्यकाल पूरा होने से पहले उसे हटाया जा सकता है? तो ये प्रक्रिया जो है वह है महाभियोग की प्रक्रिया। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 36, जब संसद का सत्र नहीं चल रहा हो तब आवश्यकता होने पर अध्यादेश जारी कौन करता है? संसद का जब सत्र ना चल रहा हो, यानी लोकसभा राज्यसभा की बैठक ना हो रही हो, तब आवश्यकता पड़ रही हो, तब अध्यादेश जारी कौन करेगा? तो अध्यादेश जारी करेंगे हमारे राष्ट्रपति जी। क्वेश्चन 37, राष्ट्रपति किसकी नियुक्ति करते हैं? तो राष्ट्रपति नियुक्ति करते हैं प्रधानमंत्री की, मंत्रिपरिषद के सदस्यों की, राज्यपाल की, सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति करते हैं। कौन करते हैं? राष्ट्रपति जी। क्वेश्चन 38, भारत के सैन्य बलों का सर्वोच्च सेनापति कौन होता है? तीनों सेनाओं का प्रमुख, जल सेना, थल सेना और वायु सेना, तो इनका जो प्रमुख है वो होते हैं राष्ट्रपति। क्वेश्चन 39, राष्ट्रपति द्वारा आपातकालीन शक्तियों का किस अनुच्छेद में प्रावधान है? तो यह है अनुच्छेद 352, 356 और 360। तो इनके अंतर्गत क्या है कि अनुच्छेद 352 में है कि युद्ध या बाहरी आक्रमण की स्थिति में राष्ट्रपति आपातकाल बुलाते हैं, अनुच्छेद 356 में राज्य में संवैधानिक संकट होने पर, अनुच्छेद 360 में राष्ट्र में वित्तीय संकट आने पर। ठीक है, याद रखना है कि 352 में युद्ध या बाहरी आक्रमण, 356 राज्य में संवैधानिक संकट होने पर, और 360 में राष्ट्र में वित्तीय संकट होने पर राष्ट्रपति के द्वारा आपातकालीन शक्तियां जो है उनका प्रावधान किया गया है। क्वेश्चन 40, उपराष्ट्रपति बनने के लिए कितनी उम्र होनी चाहिए? उपराष्ट्रपति बनने के लिए 35 वर्ष होनी चाहिए और जो कि राज्यसभा का सदस्य बनने योग्य हो। यही जब हमने राष्ट्रपति की बात की थी तो उनके लिए उम्र होनी चाहिए 30 वर्ष और जो कि वह लोकसभा के सदस्य बनने के योग्य रखते हो। उपराष्ट्रपति का कार्यकाल कितना होता है? उपराष्ट्रपति का कार्यकाल होता है 5 वर्ष का। क्वेश्चन 42, मंत्रिमंडल की नियुक्ति किसकी सलाह पर राष्ट्रपति करते हैं? तो यह प्रधानमंत्री की सलाह पर ही करते हैं। राष्ट्रपति जी उस मंत्रिमंडल में से ही एक जो मुखिया है उनको चुनते हैं, तो वह भी प्रधानमंत्री कौन नियुक्त करते हैं? राष्ट्रपति। और प्रधानमंत्री के अंडर में जो भी मंत्रिपरिषद होती है, मंत्रिमंडल जो उन सदस्य होते हैं उनकी नियुक्ति भी कौन करते हैं? राष्ट्रपति जी। क्वेश्चन 43, मंत्रिपरिषद किसे कहा जाता है? तो मंत्रिपरिषद के अंतर्गत आएंगे कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री, उप मंत्रियों के सम्मिलित रूप। तो कैबिनेट मंत्री कौन होते हैं? जो हम देखते हैं कि गृह मंत्री, रेल मंत्री, तो इन मंत्रियों के जो हम नाम सुनते हैं ये सभी कैबिनेट मंत्री के अंतर्गत आते हैं। तो मंत्रिपरिषद कहेंगे हम कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री, उप मंत्रियों के सम्मिलित रूप को कहा जाता है मंत्रिपरिषद। क्वेश्चन 44, मंत्रिमंडल किसे कहा जाता है? हमने अभी मंत्रिपरिषद देखा था जिसमें केवल कैबिनेट मंत्री अगर हम निकाल दें तो वो कैबिनेट मंत्री जो है वही कहलाते हैं मंत्रिमंडल। मंत्रिपरिषद के बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? तो ये अध्यक्षता करते हैं प्रधानमंत्री, क्योंकि ये मंत्रिपरिषद के मुखिया होते हैं। राष्ट्रपति और मंत्रिपरिषद के बीच संपर्क कड़ी का कार्य कौन करता है? तो इनके बीच में जो कड़ी का काम करते हैं वो होते हैं प्रधानमंत्री। नेक्स्ट है
क्वेश्चन नंबर 47, महाअभियोग का क्या अर्थ है? महाअभियोग का अर्थ है कि संसद द्वारा राष्ट्रपति, सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाने की विधि, जो हमने अभी पढ़ी थी कि किस प्रक्रिया के द्वारा इन्हें हटाया जा सकता है। तो महाअभियोग का अर्थ क्या है? हटाने की विधि। नेक्स्ट है, एक संक्रमणीय आनुपातिक प्रतिनिधित्व क्या है? तो इसका अर्थ है कि मतदान की वह प्रणाली जिसमें निर्धारित मत प्राप्त करने के लिए विभिन्न उम्मीदवारों में मतों का विभाजन कर एक निश्चित अनुपात के आधार पर प्रतिनिधित्व करना, तो यह प्रक्रिया जो है वो राष्ट्रपति के निर्वाचन के समय कार्य करती है। क्वेश्चन नंबर 49, संघात्मक व्यवस्था की मुख्य विशेषता है? संघात्मक व्यवस्था की मुख्य विशेषता है शक्तियों का विभाजन, क्योंकि हम पहले पढ़ चुके हैं कि संघात्मक व्यवस्था जो है वह केंद्र की अलग है और राज्य की अलग है, तो इन दोनों में ही शक्तियों का विभाजन है। तो ये चैप्टर जो है वो आपका यहाँ कंप्लीट होता है। नेक्स्ट हम करेंगे चैप्टर नंबर 7 क्लास 8 का। इसी तरीके से आप लगातार वीडियो देखते रहिए। चैप्टर 7 कानून एवं भारतीय न्यायपालिका, तो ये चैप्टर भी आपके लिए इम्पोर्टेंट रहेगा। इसमें हम सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, इसके बारे में पढ़ेंगे और यहाँ आपको अच्छे से समझना जरूरी है, क्योंकि आप यहाँ अच्छे से समझ पाते हैं उसके बाद ही नेक्स्ट क्लासेस में इनको भी समझ पाएंगे। तो यहीं पर आप इन चीजों को समझ लीजिए, क्वेश्चन के आंसर यहीं पर आप याद कर लीजिए। देखिए, लास्ट वीडियो जो हमने किया था, चैप्टर का नाम था संघीय सरकार, वहां पर एक क्वेश्चन में थोड़ा सा मिस हो गया था। तो देखिए, वहां पर मैंने एक क्वेश्चन पूछा था कि राज्यसभा का कार्यकाल कितना होता है, तो वो उस क्वेश्चन में एक वर्ड लिखना भूल गई थी कि राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है। ठीक है, ये पूछना था कि राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है, तो उनका कार्यकाल होता है 6 वर्ष का। ठीक है, तो राज्यसभा का कार्यकाल नहीं होता है, राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल होता है 6 वर्ष का। तो इसे आप याद रखिएगा, क्योंकि राज्यसभा तो एक स्थायी सदन है, इसके सदस्यों का कार्यकाल जो 6 वर्ष का होता है, परंतु प्रत्येक 2 वर्ष बाद एक तिहाई सदस्य जो है वो रिटायर्ड हो जाते हैं और उनके स्थान पर दोबारा से एक तिहाई सदस्यों को चुन लिया जाता है। ठीक है, तो ये इन्फॉर्मेशन थी, आप ऐड कर लेना। चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन 1 है, अवयस्क द्वारा कोई दुर्घटना करने पर भारतीय दंड संहिता की किस धारा के तहत मुकदमा दर्ज होता है? तो इसका आंसर है धारा 304 या 337। अब देखिए, इसी तरीके के प्रश्न जो है वो आपके अभी पुलिस कांस्टेबल का जो एग्जाम हुआ था वहां पर पूछा गया था। तो हम कर रहे हैं क्लास 8 को, चैप्टर 7, वहां पर भी इस टाइप के क्वेश्चन जो है वो है, इसीलिए हर क्वेश्चन जो है वो आपके लिए इम्पोर्टेंट रहता है। सूचना का अधिकार अधिनियम कब बनाया गया? सूचना का अधिकार अधिनियम बनाया गया 2005 में। सूचना का अधिकार अधिनियम कब बनाया गया? 2005 में। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3, सरकार के कितने अंग होते हैं? हमने देखा था कि संसद के कितने अंग होते हैं? 3 अंग होते हैं, राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा। संसद के 2 सदन होते हैं, लोकसभा और राज्यसभा। यहाँ पूछा है सरकार के कितने अंग होते हैं, तो सरकार के अंग हैं व्यवस्थापिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। क्वेश्चन नंबर 4, यदि केंद्र व राज्य सरकार के बीच आपस में कोई मतभेद हो जाए तो उन्हें कौन दूर करेंगे? तो यह कार्य जो होता है वह सर्वोच्च न्यायालय का होता है, सुप्रीम कोर्ट का होता है, कि अगर केंद्र और राज्य सरकारों के बीच किसी बात पर आपस में कोई मतभेद हो जाए तो सर्वोच्च न्यायालय जो है वह इन मतभेदों को दूर करता है। क्वेश्चन नंबर 5, क्योंकि हमें पता है कि सर्वोच्च जो न्यायालय है, न्यायपालिका है हमारी, वो स्वतंत्र न्यायपालिका है और वह कार्यपालिका और व्यवस्थापिका इनसे दोनों से ही अलग है, इसीलिए न्यायपालिका को यह अधिकार है। सर्वोच्च न्यायालय कहाँ स्थित है? सर्वोच्च न्यायालय दिल्ली में स्थित है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6, क्या सर्वोच्च न्यायालय द्वारा बनाए गए कानून का संशोधन कर सकती है? सर्वोच्च न्यायालय द्वारा जो कानून बनाए गए हैं, क्या उन्हें उनका संशोधन किया जा सकता है? तो इसका आंसर होगा हाँ। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7, भारत देश में कैसी न्यायपालिका की व्यवस्था है? तो भारत में स्वतंत्र और एकीकृत न्यायपालिका है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8,
हमारी न्यायपालिका का सबसे बड़ा न्यायालय कौन सा है? तो हमारी जो न्यायपालिका के जो तीन स्तर हैं, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट, तो सबसे बड़ा न्यायालय है हमारी सर्वोच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट, जिसे अंतिम अपीलीय न्यायालय कहते हैं। क्वेश्चन 9, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करते हैं? तो इनके न्यायाधीश जो होते हैं, मुख्य न्यायाधीश, उनकी नियुक्ति करते हैं राष्ट्रपति। याद रखना है, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति करते हैं राष्ट्रपति। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10, मुख्य न्यायालय की सलाह से कौन अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति करते हैं? तो आंसर है राष्ट्रपति। राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीशों की नियुक्ति करते हैं और अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति वह मुख्य न्यायाधीश की सलाह पर करते हैं। यहाँ आएगा मुख्य न्यायाधीश, मुख्य न्यायाधीश की सलाह पर राष्ट्रपति अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश बनने के लिए व्यक्ति की मुख्य योग्यता क्या है? तो इसका आंसर है कि एक तो भारत का नागरिक होना चाहिए, उच्च न्यायालय यानी हाई कोर्ट में लगातार उसने 5 वर्ष तक वह न्यायाधीश रहा हो, या 10 वर्ष तक वकालत कर चुका हो, तो वह सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश बनने योग्य है। नेक्स्ट है क्वेश्चन 12, सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश किस आयु तक पद पर रह सकता है? तो यह उम्र होती है 65 वर्ष। देखिए, बहुत कंफ्यूजन होता है। सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश जो है वो 65 वर्ष की आयु तक पद पर रह सकते हैं, और अगर हम उच्च न्यायालय की बात करेंगे तो हाई कोर्ट जो होता है उनके न्यायाधीश जो है वह 62 वर्ष की आयु तक अपने पद पर रहते हैं, और इसके बाद ये रिटायर्ड हो जाते हैं। नेक्स्ट है 13, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के वेतन भत्ते कहाँ से प्राप्त होते हैं? तो इनको जो वेतन भत्ते होते हैं वह भारत की संचित निधि से प्राप्त होते हैं। तो वहीं हम उच्च न्यायालय के अगर न्यायाधीशों की बात करें तो उन्हें वेतन भत्ते जो है वो राज्य की संचित निधि से प्राप्त होते हैं, लेकिन जब वो रिटायर्ड हो जाते हैं तब उन्हें जो पेंशन मिलती है वह भारत की संचित निधि से प्राप्त होती है। क्वेश्चन 14, सर्वोच्च न्यायालय का प्रारंभिक क्षेत्राधिकार क्या है? सबसे फर्स्ट जो उनके अधिकार में आता है सुप्रीम कोर्ट के, तो वह क्या है कि वह नागरिकों के मूल अधिकार संबंधी विवाद, ये उसका अधिकार है कि यहाँ वह विवादों को सुनता है और न्याय करते हैं। केंद्र और राज्य के बीच में अगर कोई विवाद हो जाता है तो वो सुनवाई करते हैं। कौन? सर्वोच्च न्यायालय। क्वेश्चन 15, सर्वोच्च न्यायालय का अपीलीय क्षेत्राधिकार में क्या आता है? तो अपीलीय क्षेत्राधिकार में आता है संवैधानिक मामले, जिसमें संविधान की जो व्याख्या है वह इनका अधिकार है संविधान की व्याख्या करने का। नेक्स्ट है दीवानी मामले, जिसमें जमीन, जायदाद, विवाह, तलाक, इनसे संबंधित जो अपील है वह हम सर्वोच्च न्यायालय में कर सकते हैं। उसके बाद फौजदारी मामले, चोरी, मारपीट, हत्या, अपराध, इसके लिए भी हम अपील कर सकते हैं। तो आपने देखा कि सर्वोच्च न्यायालय जो है वह उसका अधिकार क्या होता है, संवैधानिक मामले, दीवानी मामले और फौजदारी मामले। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 16, न्यायिक पुनरावलोकन क्या है? देखिए, यहाँ पर इस शब्द जो है यह कई बार हम एग्जाम में देखते हैं तो हमें इसका अर्थ ही नहीं पता होता है। अर्थ पता होगा तो हम उस ऑप्शन को थोड़ा सा समझकर भी कर सकते हैं। तो न्यायिक पुनरावलोकन है कि सर्वोच्च न्यायालय द्वारा ऐसे कानून को अवैध घोषित करना जो संविधान के प्रावधान के विपरीत है। मान लीजिए कि हमारी जो व्यवस्थापिका है या विधायिका है, उसने कोई कानून बनाया और वह कानून जो है वो संविधान के प्रावधानों के विपरीत है, तो उन्हीं कानूनों को सर्वोच्च न्यायालय जो है वो अवैध घोषित करता है। इसी को कहते हैं न्यायिक पुनरावलोकन, यानी न्यायिक दोबारा से अवलोकन करना, पुनरावलोकन। ठीक है। क्वेश्चन 17, अभिलेख न्यायालय क्या है? अभिलेख न्यायालय का अर्थ होता है कि जो हमारा सुप्रीम कोर्ट है इसके द्वारा कोई भी निर्णय जो है प्रकाशित किए गए हैं उनका प्रयोग कानून की तरह करना। सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा प्रकाशित किए गए निर्णयों का प्रयोग कानून की तरह करना, जो अक्सर हम जो न्यूज़पेपर वगैरह में भी देखते हैं कि सर्वोच्च न्यायालय द्वारा प्रकाशित किया गया है यह निर्णय, तो ये अब कैसे यूज किया जाएगा? ये एक लॉ की तरह यूज किया जाएगा, कानून की तरह इसका यूज किया जाएगा।
क्वेश्चन 18, राजस्थान का उच्च न्यायालय कहाँ है? अब ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आपके एग्जाम में आने वाला क्वेश्चन है। राजस्थान का उच्च न्यायालय जोधपुर में है, याद रखना है जोधपुर में है। नेक्स्ट है क्वेश्चन 19, राजस्थान के उच्च न्यायालय की पीठ कहाँ है? इसका आंसर है जयपुर। ठीक है, यहाँ कंफ्यूज नहीं होना है क्योंकि राजस्थान का उच्च न्यायालय हम जयपुर कर देते हैं क्योंकि हमें ऐसा लगता है कि जयपुर जो है वो कैपिटल है, तो हम आंसर जयपुर कर देते हैं। राजस्थान का जो उच्च न्यायालय है वो जोधपुर में है और इसकी जो ब्रांच है वो जयपुर में है। क्वेश्चन 20, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करते हैं? हमने देखा कि हाई कोर्ट के जो मुख्य न्यायाधीश हैं उनकी नियुक्ति राष्ट्रपति कर रहे हैं, अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति जो है वह भी राष्ट्रपति कर रहे हैं मुख्य न्यायाधीश की सलाह पर। अब क्वेश्चन है कि उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? तो यहाँ पर आंसर जो है वह ये आता है कि राज्यपाल करते होंगे। नहीं, यहाँ पर जो न्याय इनकी नियुक्ति जो है वो राष्ट्रपति ही करेंगे, लेकिन राज्यपाल और सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की सलाह पर। राज्यपाल और सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की सलाह पर राष्ट्रपति उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति करते हैं। 21, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश किस उम्र तक अपने पद पर बने रह सकते हैं? तो यह 62 वर्ष की उम्र तक अपने पद पर रह सकते हैं और सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश जो हमने देखे 65 वर्ष की उम्र तक अपने पद पर रह सकते हैं। उच्च न्यायालय के न्यायाधीश बनने की मुख्य योग्यता क्या है? तो एक तो भारत का नागरिक होना चाहिए, ये तो अहम है। वह भारत के किसी भी राज्य में कम से कम 10 वर्ष या किसी न्यायिक पद पर रहा हो या 10 वर्ष तक उसने वकालत की हो, यह तो उच्च न्यायालय के न्यायाधीश बनने की योग्यता है। और वहीं हम अगर सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की बात करते हैं तो सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश बनने के लिए वह हाई कोर्ट में उसने लगातार 5 वर्ष तक वह न्यायाधीश रहा हो और 10 वर्ष तक उसने वकालत की हो। और यहाँ पर क्या है अलग कि उसने किसी भी राज्य में कम से कम 10 वर्ष तक किसी न्यायिक पद पर रहा हो। क्वेश्चन 23, जनहित याचिका की शुरुआत किसने की? अब हम ये सुनते हैं जनहित याचिका, ठीक है, तो यह जनता के लिए होता है, जनता की यह एक याचिका होती है। इस अर्थ को भी हम बाद में समझेंगे। जनहित याचिका जिसे हम PIL भी कहते हैं, इन दोनों को ही आप याद रखना है, इसकी शुरुआत की थी PN भगवती ने। और देखिए जनहित याचिका का अर्थ क्या होता है कि जब नागरिक जो है वो अपने अधिकारों की रक्षा के लिए न्यायालय में प्रार्थना करते हैं, ठीक है, न्यायालय में जाकर प्रार्थना करते हैं, वही है जनहित याचिका। जन यानी कि मनुष्य यानी कि नागरिक, और उनके हितों के लिए याचिका करना, प्रार्थना करना, और कहाँ करना, न्यायालय में जाकर प्रार्थना करना, ठीक है। क्वेश्चन 24, त्वरित न्यायालय जिसे ट्रैक कोर्ट भी कहते हैं ये क्या है? इसका आंसर है जिसमें गंभीर किस्म के कुछ विशेष प्रकरणों में लोगों को शीघ्र न्याय दिलाने के लिए स्थापित किए जाते हैं, उन्हीं को कहा जाता है त्वरित न्यायालय। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 25, ग्रामीण क्षेत्रों में ग्राम पंचायत स्तर पर शीघ्र एवं सुलभ न्याय दिलाने हेतु किसके तहत ग्राम न्यायालयों की स्थापना की गई है? तो ग्रामीण क्षेत्रों में ग्राम पंचायत स्तर पर शीघ्र और सुलभ न्याय दिलाने के लिए ग्राम न्यायालय एक्ट 2008 के तहत ग्राम न्यायालयों की स्थापना की गई है। क्वेश्चन 26, राजस्थान में पहला ग्राम न्यायालय कहाँ खोला गया है? इसको याद रखिएगा, पहला ग्राम न्यायालय जो है वो जयपुर के बस्सी में खोला गया है। जयपुर जो जिला है उसके बस्सी में खोला गया है पहला ग्राम न्यायालय। नेक्स्ट है ग्राम न्यायालय में न्यायिक अधिकारियों की नियुक्ति किसके परामर्श से की जाती है? तो ग्राम न्यायालय में जो न्यायिक अधिकारियों की नियुक्ति है वह उच्च न्यायालय के परामर्श से की जाती है। क्वेश्चन 28, अपील किसे कहते हैं? निचली अदालतों के फैसले के विरुद्ध पुनः विचार करने के लिए किसी पक्ष का ऊपरी अदालत में जाना। मान लीजिए कि डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में किसी भी नागरिक की सुनवाई नहीं हुई, वह संतुष्ट नहीं हुआ,
ठीक है। अब वो क्या करेगा, वो हाई कोर्ट में जाएगा, वहां जाकर अपील करेगा। अगर हाई कोर्ट में भी उसकी बात नहीं बनती है तो वो सुप्रीम कोर्ट में जाता है और इसे ही अपील कहा जाता है। तो वह कहता है कि मैं अब हाई कोर्ट में जाकर अपील करूंगा, मेरी यहाँ बात नहीं बनी है तो मैं अब सुप्रीम कोर्ट में जाकर अपील करूंगा। इसी को क्या कहते हैं, अपील। निचली अदालतों के फैसले के विरुद्ध पुनः विचार के लिए किसी पक्ष का ऊपरी अदालत में जाना अपील कहलाता है। क्वेश्चन 29, अपने अधिकारों की रक्षा के लिए न्यायालय में प्रार्थना करना क्या कहलाता है? तो इसकी हमने अभी बात की थी कि याचिका, ठीक है। अपने अधिकारों की रक्षा के लिए उच्च न्यायालय में प्रार्थना करना क्या कहलाता है? याचिका। इसी से क्या प्रारंभ की गई थी, जनहित याचिका। नेक्स्ट है 30, विधिक साक्षरता शिविरों का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? इसका उद्देश्य होता है जनता को कानूनों की जानकारी देना, ठीक है। जनता को कानून संबंधी जानकारी देने के लिए शिविरों का शिविर जो है वो लगाए जाते हैं। इसे विधिक साक्षरता शिविर कहते हैं, जहां पर विधि यानी कि कानून, साक्षरता यानी कानून से संबंधित जानकारी देना। क्लास 8 पॉलिटी का लास्ट चैप्टर, आज आपकी पॉलिटी जो है 8th क्लास की वो कंप्लीट हो जाएगी। इससे पहले हम 6th और 7th क्लास की पॉलिटी को कर चुके हैं, बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट चैप्टर जो है वो हमने किए हैं। हमने संसद के बारे में देखा, लोकसभा, राज्यसभा, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, इसके अलावा सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय, यहाँ से जो भी बेसिक चीजें थी वो हम कम्प्लीट कर चुके हैं। यहाँ आपने अच्छे से समझ लिया है तो आगे भी आपको सारी बातें समझ में आती जाएंगी। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का चैप्टर। क्वेश्चन नंबर 1, भारत का लड़ाकू विमान सुकोई 30 MKI किस देश ने बनाया है? तो जो भारत का लड़ाकू विमान सुकोई 30 MKI है वह बनाया है रूस, रूस द्वारा निर्मित है ये। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2, ब्रह्मोस मिसाइल का निर्माण किस देश ने किया है? किस देश ने किया है ब्रह्मोस मिसाइल का निर्माण? तो इसका निर्माण जो है वो रूस और भारत के संयुक्त उपक्रम द्वारा किया गया है, ठीक है। यहाँ पर जो संयुक्त उपक्रम है वो रूस और भारत का है, रूस और भारत के द्वारा ब्रह्मोस मिसाइल का निर्माण किया गया है। नेक्स्ट है क्वेश्चन 3, भारत का विशाल क्षेत्रफल वाला विमान वाहक युद्धपोत कौन सा है? भारत का विशाल क्षेत्रफल वाला यानी कि बहुत ज्यादा बड़ा है ये, तो यह युद्धपोत कौन सा, युद्धपोत यानी जहाज, तो वो है INS विक्रमादित्य। भारत का विशाल क्षेत्रफल वाला विमान वाहक युद्धपोत है INS विक्रमादित्य। नेक्स्ट है क्वेश्चन 4, भारत का ऐसा टैंक जिस पर किसी भी रासायनिक, जैविक, रेडियो एक्टिव हमले का असर नहीं होता है, तो वो भारत का कौन सा टैंक है जिस पर किसी भी रासायनिक, जैविक, रेडियो एक्टिव हमले का असर नहीं होता है? तो इसका आंसर है T-90 भीष्म टैंक जो है उस पर किसी भी रासायनिक, जैविक, रेडियो एक्टिव का हमले का असर नहीं होता है। नेक्स्ट है 5, INS चक्र 2 क्या है? INS चक्र 2 क्या है? इसका आंसर है कि यह एक पनडुब्बी है, यह पानी में चलने वाला जहाज है, यह परमाणु संयंत्र युक्त पनडुब्बी है। नेक्स्ट है क्वेश्चन 6, BSF के जवान कहाँ तैनात होते हैं? BSF बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, इनके जो जवान है वो कहाँ तैनात रहते हैं? आंसर है भारत, पाकिस्तान व बांग्लादेश से लगने वाली जो थल सीमा है वहां हमारे BSF के जवान तैनात रहते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन 7, उत्तर पूर्व के पर्वतीय इलाके में चीन से लगी सीमा पर कौन से जवान निगरानी रखते हैं? उत्तर पूर्व के पर्वतीय इलाके में चीन से लगी सीमा पर कौन से जवान निगरानी रखते हैं? आंसर है भारत तिब्बत सीमा पुलिस, ITBP। भारत तिब्बत सीमा पुलिस जो है वह उत्तर पूर्व के पर्वतीय इलाके में चीन से लगी सीमा पर निगरानी रखते हैं। नेक्स्ट, समुद्री सीमा की निगरानी कौन से सैनिक रखते हैं? आंसर है तटरक्षक बल। समुद्री सीमा यानी जिसे तट कहते हैं, तो तटरक्षक बल यानी कोस्ट गार्ड, ये समुद्री सीमा की निगरानी रखते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9, अग्नि नामक हथियार है, अग्नि नामक हथियार जो है वह है प्रक्षेपास्त्र, प्रक्षेपास्त्र जो है वह एक अग्नि नामक हथियार है।
नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10। देश के महत्वपूर्ण औद्योगिक प्रतिष्ठानों और हवाई अड्डों की सुरक्षा कौन करते हैं? देश के महत्वपूर्ण औद्योगिक प्रतिष्ठानों और हवाई अड्डों का सुरक्षा जो है वो कौन करते हैं? इसका आंसर है CISF, जो केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल, यह औद्योगिक प्रतिष्ठानों और हवाई अड्डों की सुरक्षा करते हैं। राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री जैसे महत्वपूर्ण व्यक्तियों की सुरक्षा कौन सा सैनिक बल करता है? तो ये हमें पता होना चाहिए कि राष्ट्रपति और हमारे प्रधानमंत्री जो हैं, इनकी सुरक्षा कौन सा सैनिक बल करता है? तो ये करता है SPG, स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप। स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप जो है वह हमारे राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री, इनकी सुरक्षा करता है। तो ये आपका अंतिम प्रश्न था इस चैप्टर का, और इसी तरीके से आपकी पॉलिटी जो है 8th क्लास की वो आज समाप्त होती है। आप रेगुलर वीडियोस को देखिए, इनका बेनिफिट जो है वो आपको 100% मिलेगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के साथ, क्लास 9th। थैंक यू।